घटिया तहसील के 1000 की आबादी वाले गांव नानाखेड़ी में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ना तो यहां सड़क है और ना ही नालियों की व्यवस्था है। नानाखेड़ी से रामगढ़ तक जाने वाला रास्ता पूरा कच्चा पड़ा है। सरपंच सचिव किसी की नहीं सुनते। सड़क कच्ची होने से कीचड़ रहता है। कई मर्तबा महिलाएं और बच्चे गिर पड़ते हैं। बारिश के मौसम में तो दिक्कत काफी बढ़ जाती है। ग्रामीण सरपंच सचिव के साथ अपनी बात जनपद सीईओ तक भी पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि सीईओ रविकांत उइके ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांग जल्दी ही पूरी कर दी जाएगी। ग्रामीण दिनेश चौधरी ने बताया कि गांव में गंदगी है और बड़े बड़े गड्ढे हैं, इस कारण लोग बीमार हो रहे हैं। सीईओ रविकांत उइके का कहना है कि ग्रामीणों ने समस्या की जानकारी दी है, जल्द ही जिला पंचायत के माध्यम से सड़क बनवा दी जाएगी। रोड नहीं है और गंदगी बहुत है हमारे गांव में। शिकायत करवाना आया हमें, गड्ढे सब गड्ढा परेशान हो गया हमें। अभी और ज्यादा हल्लो करांगा आवांगा। कीचड़ बहुत है, खेत पे जाने की इतनी परेशानी आती है कि जा ही नहीं पाते हैं और घास लाने जाते हैं। अभी बारिश में तो खेत पे जाने नहीं पाते। लेडीज जाती है तो रोटी लेके जाती है तो गिरी जाती है, रोटी भी लेके आ नहीं पाती हूँ। अभी नहीं होगा या तो हो गया, रास्ता नहीं है अभी, ये नहीं है। ये साहब ने कहा नवंबर तक बनाएंगे हम, नवंबर तक का फसल हमारी अभी आ रही, 15 दिन बाद तो समस्या भी है हमारी। अच्छा, ये समस्या रास्ते की है, वाहन भी निकलते आने जाने में दिक्कत बहुत आ रही है हमें। माल ही नहीं आ पाएगा खेत पे, जहाँ पंचायत है हमारी वहाँ पंचायत में जाने का रास्ता भी यही है। वहाँ के कुछ ग्रामीण जन आए थे, उनका ये कहना है कि उनके पास खेतों में जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं है, जिससे वहाँ पर जाते समय उनके वाहन वाहन में फंस जाते हैं। सुविधाजनक नहीं रहता है उनको अपने खेतों से फसल का लाना ले जाना। आवागमन में थोड़ी समस्या होती है। संबंधित सचिव को निर्देशित किया गया है कि उनकी जो फाइल है वो तैयार करे सुदूर खेत सड़क योजना अंतर्गत। उसके बाद सब इंजीनियर को और एपीओ को भी निर्देशित किया गया है कि पात्रता अनुसार परीक्षण करें और जल्द से जल्द प्रयास ये है कि उस रोड को जिला पंचायत के माध्यम से सुदृढ़ कराए।